Hello, my dear student of class 10th. Today we discuss the revision of the chapter surface area and volume. आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को और इसका रिविजन हमें करना है. तो सबसे पहले तो जो उसका बेसिक है उसको आप समझ करके चलें. और इस चैप्टर का जो बेसिक है वो ये है कि इसमें जो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, जैसे 9th में आपने पढ़ा था क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सर्कल, उसके बाद स्फीयर, हेमिस्फीयर और कोन आपने डिस्कस किया था. इन सब फिगर के वहां पे वॉल्यूम्स, कर्व सरफेस एरिया और फिर आपने पढ़ा था वहां पर टीएससे स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी फिगर. तो ये सब कुछ आपने वहां पढ़ रखा है, सिर्फ उनका थोड़ा सा हार्ड वर्जन क्लास 10th में है, लेकिन बेसिक वही है जो क्लास 9th में था. आपके सिलेबस में पहले पढ़ेंगे आप क्यूबॉइड के बारे में, फिर क्यूब के बारे में, उसके बाद आएगा सिलेंडर, उसके बाद में आएगा कोन, फिर आएगा स्फीयर, फिर आएगा हेमिस्फीयर. आपके सिलेबस से कंसेप्ट ऑफ फ्रस्टम रिमूव कर दिया गया है इस बार, तो आप फ्रस्टम की तैयारी नहीं करेंगे और फ्रस्टम से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा. तो आपके सिलेबस में फिलहाल केवल ये 6 कंसेप्ट हैं हमें पढ़ना है कि इनका वॉल्यूम जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम, उसके बाद सीएसए मींस कर्व सरफेस एरिया वो हमें डिस्कस करना है, उसके बाद टीएससे मतलब टोटल सरफेस एरिया हमें डिस्कस करना है. ठीक है, तो इस तरह से आज हम इन 3 कंसेप्ट को इन सभी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे. तो मैं लेके चलता हूं पहला कंसेप्ट क्यूबॉइड. क्यूबॉइड अपने आप में कुछ ऐसे बनता है जिसकी एक लेंथ होती है, एक पर्टिकुलर ब्रेथ होती है और एक इसकी होती है हाइट. ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ और ये होती है हाइट. क्यूबॉइड एक ऐसी 3D फिगर है जिसमें सारी की सारी जो डायमेंशन होती हैं, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और हाइट, वो सब की सब डिफरेंट होती हैं. जबकि आप जिससे आगे पढ़ेंगे क्यूब, क्यूब में ऐसा नहीं होता है. क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम होती हैं, वहां पे अलग अलग वो नहीं होती हैं. तो ये बात आप ध्यान रखें कि क्यूबॉइड में और क्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि क्यूब में 6 फेस स्क्वायर शेप में होंगी, लेकिन क्यूबॉइड में 6 फेस स्क्वायर नहीं होती हैं. ये बात आप ध्यान रखें. ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं क्यूबॉइड का वॉल्यूम. तो जब हमें वॉल्यूम निकालना होगा क्यूबॉइड का, तो फॉर्मूला होगा वी इक्वल्स टू एल इंटू वी इंटू एच. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू वी इंटू एच, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है, वॉल्यूम की जो होती है यूनिट वो होती है मीटर क्यूब. ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरह से होती है. ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है फिर सीएससे या फिर इसी का एक नाम और होता है, वो होता है लेटरल
सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला होता है टू टाइप ऑफ एच एल प्लस बी। ये आप ध्यान रखें, ये फॉर्मूला होता है किसी भी क्यूबॉइड में उसकी जो चार दीवारें होती हैं, चार फेस होती हैं, उनको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। जैसे कि आपका रूम है, अब रूम में आप यदि अपनी रूम की फोर वॉल्स को पेंट करा रहे हैं तो फोर वॉल्स विल बी कंसीडर्ड एज अ लेटरल सरफेस एरिया और सीएसए। क्लियर है? लेकिन यदि आप इसमें बाकी बची हुई दो सरफेस का एरिया और ऐड करते हैं, वो कौन सी यहां पे सरफेस बची हुई रह गई है? एक तो बची हुई रह गया फर्श और एक छत। तो रूफ और फ्लोर, उन दोनों का एरिया आप यहां पे यदि और ऐड कर दें तो बन जाएगा फिर टीएसए, मींस टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं टीएसए। टीएसए स्टैंड फॉर टोटल सरफेस एरिया, और इसका फॉर्मूला होता है टू टाइम्स एल बी बी एच एच एल। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप एक क्यूबॉइड का टीएसए इजीली निकाल सकते हैं। टीएसए में क्या होता है, क्यूबॉइड की सिक्स सरफेस का एरिया ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। टीएसए कंसीडर्ड एज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिक्स फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। चलिए आगे, इसके बाद में यदि आपको निकालने पड़ जाए मेजरमेंट ऑफ डायगोनल, किसी क्यूबॉइड में जब निकालते हैं मेजरमेंट ऑफ डायगोनल तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डायगोनल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे आप एल की, बी की और एच की। पुट करने के बाद उसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बेसिक फॉर्मूले हो गए किसी क्यूबॉइड के रिगार्डिंग। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्यूब की। तो क्यूब के जो सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो क्यूबॉइड से ही बन जाएंगे। कैसे बनेंगे जरा देखिए आप, कंसेप्ट सेकंड क्यूब। इसमें क्या होगा, ऐसे बनाएंगे आप एक क्यूब को, ये मेरे पास में क्यूब है, ये एक ऐसा क्यूब है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट वो सब अपने आप में इक्वल है, अलग अलग नहीं होगी। यदि किसी 3D फिगर में लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग हो गई तो वो क्यूब नहीं रहेगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है, तो क्यूब अपने आप में एक ऐसी क्लोज 3D फिगर है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम रहती है। चलिए, तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि जो जो इक्वल साइड है वो सब के सब ए है, ए ए ए। तो जब सारी की सारी साइड हमने उसकी ए मान ली, लेंथ ए है, ब्रेथ ए है, हाइट ए है, तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच तीनों को रिप्लेस कर दो आप सेम वैल्यू ए से, ए इंटू ए इंटू ए, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब, जिसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं साइन टू द पावर थ्री। चलिए, उसके बाद में यदि निकालना पड़ जाए सीएसए, सीएसए मींस यदि निकालना पड़ जाए लेटरल सरफेस एरिया,
तो कैसे निकालेंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए जरा, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2h इंटू एल प्लस बी। तो क्या करना है, ये h, l और b इन तीनों को आप रिप्लेस कर देंगे सेम वैल्यू a से। तो यहां पे a रखेंगे, फिर यहां पे a, फिर यहां पे a, तो ये आ जाएगा 2 टाइम ऑफ a इंटू ए प्लस ए। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 2a इंटू 2a, तो बन जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया है जो कि आ गया है 4a स्क्वायर। चलिए इससे आगे अब बात कर लेते हैं TSC की। तो TSC जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, जरा सुनो ध्यान से, TSC का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के केस में कि 2 टाइम ऑफ एल बी बी एच एच एल। तो यहां पे क्या करेंगे आप, एल बी और एच तीनों को रिप्लेस कर दीजिए ए से। तो ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बनेगा, पहले मैं अंदर रख देता हूं वैल्यू, ए इंटू ए ए इंटू ए ए इंटू ए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो रिजल्ट इज 2 इंटू 3 ए स्क्वायर मीन्स 6 ए स्क्वायर। तो ध्यान रखेंगे आप कि जब क्यूब में निकालना होता है हमें TSC से, तो फॉर्मूला होता है 6 टाइम ऑफ साइड स्क्वायर। चलिए उसके बाद में आते हैं डायगोनल में। डायगोनल ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में आप एल बी एच को रिप्लेस कर दीजिए एक सेम वैल्यू ए से। तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो रिजल्ट इज अंडर रूट 3 ए स्क्वायर, इट मींस ए टाइम ऑफ रूट 3। अंडर रूट के अंदर से जो ए स्क्वायर है उसमें से ए बाहर आ गया, तो हो जाएगा ए टाइम रूट 3। तो इस तरह से क्यूबॉइड और क्यूब के फॉर्मूले अपने आप में कंप्लीट हो गए, जो कि आपने देख भी लिए हैं। तो यदि क्यूबॉइड के फॉर्मूले आपको याद हैं, तो क्यूब के फॉर्मूले ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कैसे, रिप्लेस कर देते हैं एल बी एच को एक सेम वैल्यू ए से। ठीक है, चलिए अब इससे आगे हम डिस्कस करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर जो है अपने आप में दो तरह से होता है, एक होता है होलो, एक होता है सॉलिड। आइए जरा मुझे डिस्कस करना है हम सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, किस तरह से होता है, वो बात आप समझें। सिलेंडर को किस तरह से होता है, ये होता है सिलेंडर। सिलेंडर में बेस रेडियस और अपर रेडियस दोनों सेम होती है, मींस आर आर, और ये होती है सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो हम यहां पढ़ेंगे अब सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का CSA, सिलेंडर का TSA। हम यहां पढ़ेंगे अब तीन बातें। तो आइए जरा तो सुनिए ध्यान से, पहले हम निकालेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम, उसके बाद हम निकालेंगे
सिलेंडर का सी एस से। तो चलिए जरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7 और 3.14। यदि वो कहेंगे 3.14 तो हम रख देंगे, अदरवाइज हम 22/7 ही रखते हैं। तो पाई रख देंगे, आर रख देंगे, एच रख देंगे, आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे सी एस से। सी एस से ऑफ सिलेंडर, तो जब निकालेंगे आप सिलेंडर का सी एस से तो फॉर्मूला होता है उसके लिए 2πRH। ठीक है 2πRH। चलिए उसके बाद में आगे वॉल्यूम हो गया सी एस से हो गया, अब बात कर लेता हूं पी एस से की। पी एस से और सिलेंडर, देखो जब सिलेंडर का टीएससी की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के जो सीएससी है, जो सिलेंडर का सीएससी है उसमें अपर एरिया और लोअर एरिया, अपर एंड का जो एरिया है मींस पाई आर स्क्वायर और लोअर एंड का जो एरिया है मींस पाई आर स्क्वायर, वो हम वहां पे ऐड कर देंगे। ठीक है तो टीएससी ऑफ सिलेंडर जो आएगा उसमें एक तो आएगा सीएससी और एक आएगा अपर एरिया, फिर आएगा लोअर एरिया। सीएससी ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH प्लस 2πR2, इन दोनों में से कॉमन ले लो 2πR तो हो जाएगा R प्लस एच। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखें, जब किसी सिलेंडर का निकालना होता है टीएस से तो फॉर्मूला है 2πR ब्रैकेट R प्लस एच। तो इस तरह से सिलेंडर के फॉर्मूले अपने आप में फिनिश हो गए। चलते हैं इससे आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉन। कॉन मीन्स बर्थडे कैप, कुछ इस तरह से। ये होता है कोन। कोन के पास में होती है दो हाइट, ध्यान रखें। कोन कंटेन द टू टाइप्स ऑफ हाइट, वन इज स्लेंट हाइट एंड अनदर इज वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एच एंड स्लेंट हाइट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एल। एंड बेस रेडियस स्मॉल आर। क्लियर, ध्यान रखें कोन के पास में होती हैं दो तरह की हाइट, एक है वर्टिकल हाइट और एक है स्लेंट हाइट। वर्टिकल हाइट को लिखते हैं हम हमेशा स्मॉल एच से और स्लेंट हाइट को हम लिखते हैं हमेशा स्मॉल एल से। सो दिस ट्रायंगल इज रेक्टेंगल ट्रायंगल इन विच एल मींस स्लेंट हाइट इज द हाइपोटेनियस, एच इज परपेंडिकुलर एंड आर इज बेस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट L square equals to h square plus r square। ठीक है, पाइथागोरस को यूज करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि L square equals to h square plus r square। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, वो इसलिए यूज करेंगे क्योंकि कई बार क्या होगा कि आपको L दिया जाएगा, H दिया जाएगा, R नहीं देंगे। कई बार आपको R देंगे, H देंगे लेकिन L नहीं देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में तीन वेरिएबल है स्मॉल L, स्मॉल H, स्मॉल R।
तो कोई भी दो वेरिएबल जो हमें देंगे इसमें रख देंगे और बाकी बचा हुआ थर्ड अननोन वेरिएबल आप निकाल लोगे, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे, तो अब हम बात कर लेते हैं इस कोन के वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए फॉर्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, सीएसए ऑफ कोन, इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल और उसके बाद में आता है टीएसए। जब कोन का निकालेंगे आप टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा, जो उसका कर्व सरफेस एरिया है, कैप हमने पैन रखी है सिर पे, जो हम देखते हैं सामने से व्यू, उसको बोलते हैं सीएसए। लेकिन जब उस सीएसए में आप नीचे जो राउंड एरिया है उसका एरिया भी ऐड कर दोगे तो वो बन जाएगा अपने आप में टीएसए। बेस एरिया कैसा है, वो राउंड है, मींस पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे टीएसए ऑफ कोन इक्वल्स टू सीएसए प्लस बेस एरिया। सीएसए वो अपने आप में होता है पाई आर एल, बेस एरिया मींस पाई आर स्क्वायर, इन दोनों में से पाई आर कॉमन ले लो तो आ जाएगा r प्लस एल। तो इस तरह से हमने एक कोन के रिगार्डिंग उसका वॉल्यूम सीएसए और फिर टीएसए निकाल लिया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अब बचता है कंसेप्ट स्फीयर और हेमिस्फीयर, उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। आइए जरा सबसे पहले बात कर लेता हूं स्फीयर की। तो क्वेश्चन उठेगा आपके दिमाग में कि स्फीयर क्या है। स्फीयर अपने आप में एक सॉलिड फिगर होती है, जैसे कि शॉटपुट। आपने देखा होगा जब आप गेम खेलते हो तो शॉटपुट को वहां पे आप फेंकते हो, तो शॉटपुट क्या है, अपने आप में स्फीयर है, ठीक है। जबकि सर्कल को आप बार बार घुमाओगे, एक सर्कल को आप बार बार घुमाओगे, सर्कल मतलब जैसे हाथ में पहनते हैं वो कंगन वगैरह, तो यदि आप अपने हाथ के कंगन को बार बार ऐसे घुमाओगे तो स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर इज जनरेटेड बाय अ सर्कल by rotating that circle about its axis, means about its diameter, ठीक है। चलिए, तो स्फीयर बन जाए इस तरह से। तो वो पूछेंगे आपसे कि ये बताओ इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या है, इस स्फीयर का सीएसए क्या है, टीएसए क्या है, पूछेंगे आपसे। इस स्फीयर के पास केवल होती है उसकी रेडियस, और आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम आता है मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। तो सीधी सी बात है, जब वॉल्यूम निकालेंगे हम किसी भी स्फीयर का, तो जो उसकी रेडियस है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसी में ही तीन बार। तो फॉर्मूला होता है स्फीयर के वॉल्यूम के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, इससे अब हम बात कर लेते हैं स्फीयर के सीएसए और टीएसए की। देखो, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि स्फीयर क्या अपने आप में कंप्लीट फिगर है,
ठीक है, जो फिगर अपने आप में कंप्लीट नहीं होती हैं, वो कहीं से कटी हुई हैं, उनमें कोई क्रॉस सेक्शन एरिया बना हुआ है, तो उनमें सीएसए और टीएसए अलग होता है। लेकिन ये फिगर अपने आप में कहीं कटी हुई नहीं है, कोई क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं है, तो इसमें सीएसए और टीएसए सेम होता है। ठीक है, इस स्फीयर के केस में सीएसए और टीएसए दोनों टर्म का सेम ही आंसर होता है, और वो होता है 4πr², ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस स्फीयर में सीएसए और टीएसए दोनों सेम होते हैं, और फॉर्मूला होता है 4πr², क्योंकि एरिया है तो आर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम था तो आर क्यूब था। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या किया, इस स्फीयर को आपने बीच में से कट कर दिया, जैसे कि किचन का बाउल। तो जो बाउल होता है हमारे पास में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं अब बात करूंगा हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर मतलब कुछ इस तरह से, हेमिस्फीयर में आप एक बात ध्यान रखें, हेमिस्फीयर की जो होती है रेडियस उतनी होती है उसकी डेप्थ। रेडियस जो रेडियस है और जो डेप्थ है, ये दोनों आर ही होंगे। एक बार वो कह देते हैं कि डेप्थ ऑफ हेमिस्फीयर इज 2, तो आप रहते हैं फिर कंफ्यूज कि भाई हमें आर तो दी नहीं है, रेडियस नहीं दी है, भाई जितनी हेमिस्फीयर की डेप्थ होगी वही उसकी रेडियस भी होगी। ठीक है, चलिए आगे। तो भाई हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 2/3πr³। जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसका हाफ कर दीजिए, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद में सीएसए, जब आप अपने हाथ पे कोई बाउल रखोगे तो वो जहां आपको टच करेगा आपके हाथ को, उसको बोलते हैं सीएसए। ठीक है, तो सीएसए का फॉर्मूला आ जाएगा रिगार्डिंग टू द बाउल, हाफ ऑफ 4πr² मीन्स 2πr². चलिए आगे, अब बात कर लेता हूं टीएसए। अब टीएसए में क्या होगा, तो सुनो ध्यान से, टीएसए में क्या होना है, जब आप किसी बाउल को क्लोज कर दोगे, जहां से हाथ पे रखा हुआ है वहां पे आप कागज लगा रहे हो, ऊपर से भी आप उसको बंद कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं टीएसए। ठीक है, तो टीएसए में क्या होगा, एक तो सीएसए आएगा प्लस जो उसका अपर एरिया है वो भी आएगा, तो सीएसए आ जाएगा उसका 2πr² प्लस πr², इट मीन्स 3πr². तो इस तरह से ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, हेमिस्फीयर में सीएसए अलग होता है, टीएसए अलग होता है। हेमिस्फीयर में सीएसए होता है 2πr² और टीएसए होता है 3πr². तो इस तरह से जो बेसिक फॉर्मूले थे मैंने बता दिए हैं आपको इस वीडियो में। इसके बाद आप एक्सरसाइज 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। एक्सरसाइज 1 में तो बात की गई है केवल, एक्सरसाइज 3 आपके पास में 1, 2, 3 चैप्टर में, तीनों में ही अलग अलग कंसेप्ट हैं। देखो हमारे पास में हमने जो आज पढ़ा है, सभी फिगर की यदि हम बात करें जनरली, तो हमने वॉल्यूम, सीएसए और टीएसए तीन चीजें हमने पढ़ी। तो जो आपके पास में एक्सरसाइज दी हुई है तीन, वो वॉल्यूम, सीएसए और टीएसए पे बेस्ड हैं। एक्सरसाइज जो तीनों की तीनों है, उसमें एक में तो वॉल्यूम के बारे में बात की है, फिर एक में सीएसए के लिए बात की गई है, एक में टीएसए के लिए बात की गई है,
जो एक्सरसाइज लास्ट में है फर्स्ट टर्म की, उसको आप नहीं करेंगे, उसको आप छोड़ देंगे। एक बात और ध्यान दें यहां पे, जब एक फिगर को, जैसे मेरे पास में एक हेमिस्फीयर, मेरे पास स्फीयर है, इसको आपने मेल्ट किया और आपने रिकास्ट किया किसमें, एक सिलेंडर में। तो जब एक ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब एक ऑब्जेक्ट को पिघला करके उसको रिकास्ट करके उससे एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो बनने वाले ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बराबर होगा मेल्ट होने वाले फिगर के वॉल्यूम के बराबर। दोनों का वॉल्यूम बराबर रख देंगे, जो आपसे वो पूछ रही है वो आप निकाल लेना। एक तरीका तो ये है, एक मेथड ये है। दूसरा क्या है कि जब आप एक स्फीयर से बनाओगे बहुत सारे कोण, तो पूछेंगे आपसे वो कि नंबर ऑफ कोण कितने बनेंगे। तो जब आप एक स्फीयर को पिघला करके बनाएंगे उससे बहुत सारे कोण, पूछेंगे नंबर ऑफ कोण कितने बनेंगे, तो कंसेप्ट अप्लाई होगा कुछ इस तरह से कि आप निकालेंगे पहले स्फीयर का वॉल्यूम, फिर निकालेंगे आप केवल एक कोण का वॉल्यूम, और फिर आप उस स्फीयर के वॉल्यूम को एक कोण के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएंगे नंबर ऑफ कोण दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट स्फीयर। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो इस तरह से आप इस चैप्टर को आज रिवाइज करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस करेंगे आप मेरे साथ, अपनी प्रॉब्लम को मेरे से शेयर करें, डिस्कस करें मेरे साथ में, एग्जाम्पल जरूर कर लें। किसी भी चैप्टर के एग्जाम्पल छोड़ के ना चले, ऐसा ना हो कि आप एग्जाम्पल छोड़ रहे हो, क्योंकि एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल ले जाते हैं फिर आप बाद में एक्सक्यूज देंगे कि एग्जाम्पल नहीं हुए, एग्जाम्पल एग्जाम में हुए। सो एग्जाम्पल एंड एज वेल एज द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज बोथ हैव द सेम इम्पोर्टेंस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो उनको आप ध्यान से करें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन शेयर विद मी एंड देन आई विल प्रोवाइड यू अ बेटर सॉल्यूशन। क्लियर?